ऐसे बता सकते हैं। अब दूसरी बात है, दूसरी जो प्रक्रिया है, परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरण बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरण बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद जो वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरण बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो यहाँ ऐसी जो तार्किक चिंतन मनन की जो प्रक्रियाएं हैं, हम तो जानते हैं, आप सभी छात्र ये भी समझ सकते हैं कि आप छात्र हैं, पाठशाला में आते हैं तो पाठशाला में पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग कुछ सोचने के लिए या विचार या तर्क करने लगता है। तुम्हारे में से किसी भी छात्र अपने मन को एक तरफ ले जाएंगे, जैसे कि वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक जब अवकाश में जाते हैं तो अवकाश यान का पूरा चिंतन करता है, मतलब पूरा मनन करता है। पूरा चिंतन और पूरा मनन करने के बाद वह अवकाश में जाने के लिए वह अपने आप को सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो हम सोचे कि ऐसे जो वैज्ञानिक है, यहाँ लिखा है तर्क, सोच, विचार, तार्किक चिंतन मनन, ये अपनी बात को जो प्रकट करने की जो तार्किकता है, तो तार्किकता को हमने वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित किया कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति की सोच के बारे में बताया गया है। तो सभी छात्र जो हैं ये सोचे, या जो है कि तर्क की लगाम और कल्पनाएं घोड़े, तर्क की लगाम कल्पनाएं घोड़े आपकी पुस्तिका में ये दिया हुआ है कि आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में एक इंसान आपको मिलता है और आपको रोकने का प्रयास करते हैं। वह इंसान आपको कहता है कि मुझे पास के गांव में जाना है, शायद तुम साइकिल पर बिठा कर मुझे ले जाओ। तो आपको दया आती है और इस इंसान को साइकिल पर बिठाकर पास वाले गांव में छोड़ने के लिए जाते हो। तो भाई जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति पास वाले गांव में जो एक जादू करने वाला इंसान है, इस जादूगर जो है, इस जादूगर वाले के साथ वह काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जादूगर के साथ काम करने वाला है, वह इंसान आपको यह कहता है कि जादू देखने के लिए थोड़े देर के लिए रुक जाओ, लेकिन आपको पाठशाला जाना है, मतलब स्कूल जाना है, तो देरी हो रही है, इसीलिए आप नहीं रुकेंगे। लेकिन जो इंसान तुम्हारी साइकिल पर बैठा था, उसने आपको एक जादुई चश्मा दिया, और ये जादुई चश्मा जो है, ये जादुई चश्मा पहनाया और बताया कि आप इस जादुई चश्मा पहनोगे तो दूसरे को देख पाओगे, लेकिन दूसरा आपको नहीं देख पाएगा। और आप इस चश्मे को लेकर
पाठशाला जाते हैं, इसके बाद घर जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं तो आप दूसरे को देख सकते हैं, ऐसा एक जादुई तो ये बताया गया है। तो सभी छात्र जो हैं अब आप हमने बताइए कि अब कहाँ कहाँ जाना जानने के लिए सोचेंगे या कहेंगे, अब कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे। ऐसी एक बात है कि सीजल बहन जो हैं, सीजल बहन दो गमले लाती है, दो गमले में तुलसी के पौधे रखे हैं, दोनों दो गमले में चौड़ाई लंबाई एक सा ऐसी है, लेकिन एक महीने के बाद देखते हैं तो दूसरे गमले की का तुलसी का पौधा जो है वह बहुत बड़ा हो जाता है और पहले गमले का जो पौधा है वह ऐसा ही रहता है। तो आप जैसे सभी छात्र मेरे भोले भोले भेजे बात दोस्त, अब आप तुम्हें बताइए कि ऐसा हुआ कैसे हुआ होगा, आप भी बताइए। और अंतिम की जो बात है, अब कहा जाता है कि यहाँ पूरे दिन की जो बात है, आप जैसे छात्र की बात है, तुम्हारे जैसे छात्र पर सोचना विचारना, पूरे दिन की पढ़ाई के बाद आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, सोते सोते तुम्हारे दिमाग में स्वप्न चल रहा है, स्वप्न में आप इतने बहुत दूर चले जाते हैं, सोते सोते आप इतने दूर चले जाते हैं कि जो नदी है, पहाड़े हैं, अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए, आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं, एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया, शेर को देखकर आपको होश आया, आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी और आप ईश्वर को याद करने लगे। शेर को देखकर आपने आंखें बंद कर दी और आप ईश्वर को याद करने लगे। ऐसा मालूम हुआ कि आप यही सोचते हैं कि काश मुझे पंख होते तो मैं पंछी बन जाता, और पंख होते तो पंछी बन जाता। तो काबिल मेरे दोस्तों, शायद आपको पंख लग गए, पंछी बन गए। आप जब सुबह उठते हैं, आपकी नींद टूटती है, तो नींद टूटती है तो अपने स्वप्न के बारे में भी सोचते हैं, तो शायद आपको ये पंख लगे हैं ऐसा मालूम होता है। तो ऐसी तार्किक सोच, ऐसा चिंतन, ऐसे जो तार्किक चिंतन और मनन जो है, ये सभी छात्र करते हैं। शायद तुम्हारे में से किसी भी छात्र बड़े पर्वत भार पर चढ़ना चाहते हैं, तो आप सोच सोच कर पूरे दिन में सोचेंगे, फिर बाद में नींद आ जाती है, नींद आ जाने के बाद आप सपने में चले जाते हैं, तो सपने में आपको ऐसा ही होता है कि हम बहुत बड़े पहाड़ को सर कर दिया,
बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ गए हैं, और वैसे ही आप नीचे भी आ रहे हैं, पंख लगे हुए थे और आप पंखी की तरह आ गए। जब नींद टूटती है तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी ये जो स्वप्न है कि स्वप्न नहीं, इंसान तार्किक सोच करता है पर चिंतन। सभी इंसान को एक वैज्ञानिक अभिगम बारे में जो बताया गया है, तो सभी छात्र ऐसा अंदाज अपना अपना, मतलब ये अंदाज अपना अपना है, तो पूरा चिंतन और मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना, एक दूसरे मित्रों के साथ अपनी बात को जब प्रकट करोगे तो अच्छा मालूम होगा। तो सभी छात्र इस इकाई को पढ़ें और इस इकाई को पढ़कर सभी छात्र ये सोचें, तर्क करें, मनन करें और अपनी सोच, अपनी तार्किक, अपना चिंतन किसी के सामने प्रकट करे तो अपने आप अपना अंदाज अपना अपना आ जाएगा। अब इस चिंतन मनन और तार्किकता से हमारा ये अभ्यास क्रम जो है वह पूर्ण होता है। सभी छात्र इस इकाई को पढ़कर प्रश्न के जो उत्तर दिए हुए हैं वह लिखें और तृतीय ए छात्र के अंतिम इकाई 10 यहाँ पूर्ण होता है और आप सभी छात्र प्रश्न के उत्तर अच्छे ढंग से तैयार करें। परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कई प्रश्न, तो प्रश्न के बारे में आप अवश्य अच्छे ढंग से उत्तर देंगे। व्याकरण जो मैंने आपको बताया है, ये सभी व्याकरण भी तैयार करके लाना है।